गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी और जो चैप्टर आपका 1 चल रहा है, तो पिछले एक वीडियो में आपने प्रकाशिक अभिक्रिया के विषय में जाना था, लाइट रिएक्शन के विषय में जाना था कि लाइट रिएक्शन क्या होती है या हेल अभिक्रिया क्या होती है। उसी का ही ये दूसरा भाग है अप्रकाशिक अभिक्रिया, क्योंकि जो प्रकाशिक क्रिया थी वो 2 चरणों में पूरी हो रही थी और पहला चरण था प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया, जिसको आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये उसका दूसरा भाग है और जिसका नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको टेल्विन चक्र भी बोलते हैं और इसको वैज्ञानिक ब्लैक मैन ने खोजा था, इसलिए इसका अध्ययन किया था, इसलिए ब्लैक मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये चीज पूछी जाती है कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है यह कहां संपन्न होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, सब हम इसके विषय में जानेंगे। तो वही आज का टॉपिक है हमारा, अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र या ब्लैक मैन अभिक्रिया। ठीक, तो इंग्लिश में से कहते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ केल्विन चक्र। ठीक, डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र, केल्विन साइकिल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो यह है अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया? देखिए, इस अभिक्रिया का अध्ययन ब्लैक मैन वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ब्लैक मैन वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अतः इसे ब्लैक मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सिंपल सा है कि ब्लैक मैन अभिक्रिया जो है, ब्लैक मैन ने इसका अध्ययन किया था अप्रकाशिक अभिक्रिया का, जिस कारण से जो है ब्लैक मैन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी वो कहाँ हो रही थी? हरित लवक के जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में हो रही थी, जबकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये कहाँ हो रही है? हरित लवक के स्ट्रोमा में हो रही है। और ये क्रिया कब होती है? रात में होती है। वो क्रिया कब हो रही थी? दिन में हो रही थी। ठीक, तो ये क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब ये क्रिया अंधकार में हो रही है, अंधेरे में हो रही है, रात में हो रही है, तो उसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस क्रिया में होता क्या है? इस क्रिया में CO2 के अपचयन से, जो CO2 है, CO2 का अपचयन होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का क्या होता है? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। और अपचयन के फलस्वरूप बनता क्या है? तो अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक, और यह क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो इसके स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप जानते हैं। देखिए, हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, तो प्रकाश संश्लेषण में हमने कार्बन के कितने अणु, CO2 के कितने अणु लिए थे? हमने क्या रिएक्शन लिखी थी? 6CO2 + 6H2O = C6H12O6। यही तो बताया था, यही तो प्रकाश ने परिभाषा लिखी थी। तो उसमें क्या है, वही चीज यहां पर लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ है CO2 के 6 अणु। हमने कितने CO2 के अणु लिए? 6। तो CO2 के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? रिबुलोज डाइफॉस्फेट। क्या उपस्थित होता है? रिबुलोज डाइफॉस्फेट। इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं? RDP, रिबुलोज डाइफॉस्फेट। CO2 के 6 कोशिकाओं में उपस्थित रिबुलोज डाइफॉस्फेट से क्रिया करते हैं, मतलब संयोग करते हैं, और क्या बनाते हैं? 12 अणु फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बनाते हैं? 12 अणु। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? CO2 के कितने अणु? 6। किससे क्रिया करेंगे? रिबुलोज डाइफॉस्फेट अर्थात RDP से क्रिया करेंगे। क्या बनाएंगे? 12 अणु बनाएंगे। किसके बनाएंगे? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बनाएंगे, अर्थात शॉर्ट में है PGA। तो पहला स्टेप है, कुछ नहीं है, CO2 है, क्रिया करा देंगे RDP से, बना देगा PGA, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने और? 12। इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? अब हमारे पास क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया।
अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि NADPH2 आया कहां से, ये कहां से प्रकट हो गया। तो आपने जब प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें देखिए क्या बना था, जल का अपघटन हो जाता था H+ आयन और OH- आयन में। OH- आयन क्या बना लेता था, जल और ऑक्सीजन बनाता था, ठीक, और ऑक्सीजन स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती। जो H+ आयन था वो किससे क्रिया करता था, NADP से क्रिया करता था, किससे क्रिया करता था, NADP से क्रिया करता था प्रकाशिक अभिक्रिया में। वो NADP से हाइड्रोजन H+ आयन NADP से क्रिया करके क्या बना लेते थे, NADPH2 बनाते थे। आपको कुछ ध्यान आया, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। तो वही चीज है कि NADPH2 कहां से आए, प्रकाशिक अभिक्रिया से आए, ठीक। तो फास्फोग्लिसरीकरण जो बन चुका पहले स्टेप में, फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से क्रिया कर लेगा, ठीक, NADP से हाइड्रोजन प्राप्त कर लेगा। मतलब NADP.2H है तो NADP.2H में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कौन ले लेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल ले लेगा, तो ये प्राप्त कर लेगा और क्या बना देगा, क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, शॉर्ट में से क्या कहेंगे, PGAL बनाएगा। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कैसे बना, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कैसे बना, फास्फोरिक अम्ल और NADPH से, जब NADPH से हाइड्रोजन आयन लिए, किसने लिए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल ने लिए, क्या बना दिया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना दिया। अब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया, अब क्या होगा, अब देखिए जो NADPH2 था इसने हाइड्रोजन आयन H2 आयन किसको दे दिए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब इसके पास क्या बचा, कुछ भी तो नहीं, अब ये क्या हो गया, अब तो NADPH2 अब क्या रह गया, NADP रह गया, क्यों, क्योंकि उसने हाइड्रोजन आयन किसको दे दिए, फास्फोरिक अम्ल को, और फास्फोरिक अम्ल ने हाइड्रोजन आयन लेकर क्या बना दिया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना दिया। अब यहां पर बचा क्या हमारे पास, NADP, क्योंकि हाइड्रोजन H2 आयन तो चले गए, ठीक, तो NADP बचा। अब NADP करेगा क्या, अब फिर से जब प्रकाशिक अभिक्रिया होगी तो NADP फिर क्या लेगा, फिर से हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन आयन लेगा, और फिर से क्या बना लेगा, NADPH2 बना लेगा। अब NADP का काम क्या है कि भैया हाइड्रोजन आयन ले लेना है, ठीक, तो NADP का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन लेना है, और हाइड्रोजन आयन लेके कहां बदल जाना है, NADPH2 में बदल जाना है, और NADPH2 फिर H2 आयन किसको दे देना है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल को दे देना है, और फास्फोग्लिसरिक अम्ल H2 आयन लेकर क्या बना देगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना देगा। तो वही लिखा हुआ है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से हाइड्रोजन आयन लेकर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है, तथा NADP पुनः प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, ठीक। तो NADP तो स्वतंत्र हो गया, तो उसने तो हाइड्रोजन आयन दे दिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल को, तो NADP अब स्वतंत्र हो गया, काहे के लिए स्वतंत्र हो गया, अब दूसरे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो प्रकाशिक अभिक्रिया में H2 आयन बनेंगे तो उनको लाने के लिए फिर चला गया। तो NADP क्या है, एज ए कैरियर है, एक वाहक है हाइड्रोजन आयन को लेने के लिए, ठीक। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हमारे पास क्या बन गया है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया है। अब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने अणु बने थे, 12 अणु बने, कितने अणु बने हैं, तो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु बने, 12 अणु में से जो 10 अणु है, 12 अणु में से जो 10 अणु बने, वो 10 अणु पुनः रेगुलोज डाई फास्फेट बन जाते हैं, ठीक। जो 10 अणु बने वो पुनः कहां बन जाते हैं, रेगुलोज डाई फास्फेट बन जाते हैं। अब बचे कितने, इसके पास कितने अणु बचे, 10 तो बदल गए किसमें, रेगुलोज डाई फास्फेट में, बचे उसके पास कितने, 2, 12 में से 10 चलेगा, कितने बचे, 2 तो बचे, तो शेष 2 अणु क्या होते हैं, वो हेक्सोशर्करा अर्थात ग्लूकोज, हेक्सोशर्करा अर्थात ग्लूकोज को बनाते हैं, हेक्सोशर्करा अर्थात ग्लूकोज को बनाते हैं, कितने अणु, 2 अणु, काहे के 2 अणु, दौड़ पाए के फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु बने थे, 10 अणु रिबुलोज डाइफास्फेट बना डाले, बचे कितने अणु, 2 अणु बचे, 2 अणुओं ने क्या बनाया, हेक्सोशर्करा बनाई,
अर्थात ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। और हमारा उद्देश्य क्या था, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण ही करना था। अब ग्लूकोज को हेक्सो शर्करा क्यों कहा गया, प्रश्न दिमाग में उठेगा कि ग्लूकोज को हेक्सो शर्करा क्यों कहा गया, क्योंकि आप लोगों को पता है मोनो माने क्या होता है, एक कार्बन, डाई माने दो कार्बन, ट्राई माने तीन कार्बन, टेट्रा माने चार कार्बन, ठीक, मोनो डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा, हेक्सा मतलब छह कार्बन। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन, छह कार्बन, तो इसलिए कौन शर्करा हो गई ग्लूकोज, हेक्सो शर्करा। अगर यहाँ पर पांच कार्बन होते तो कौन शर्करा हो जाती, कार्बन पांच होंगे तो उसे क्या कहें, पेंटा, तो कौन शर्करा हो जाएगी, पेंटोस शर्करा हो जाएगी, ठीक। तो तीसरा पॉइंट यही था कि जो फास्फोग्लिसराइड के 12 अणु बने, 12 अणु में से जो 10 अणु हैं वो रिबोज डाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं, जो दो अणु बचे उन्होंने हेक्सो शर्करा ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। यही रिएक्शन लिखी हुई है कि ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु 12 ATP ऊर्जा लेकर NADP.2S से क्रिया करके ग्लूकोज अर्थात हेक्सो शर्करा का निर्माण कर देंगे, जिसमें 12 ATP और 12 NADP मुक्त हो जाएंगे और जल के 6 अणु बन जाएंगे। ये NADP जो बना फिर से हाइड्रोजन आयन लेने चला जाएगा प्रकाशी प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से ये आपकी अप्रकाशी प्रक्रिया या केल्विन चक्र समाप्त होता है। आपको बता दें कि केल्विन चक्र केवल इतना बड़ा नहीं, केल्विन चक्र पूरी एक साइकिल है और बहुत बड़ी साइकिल है ये, लेकिन आपके कोर्स में पूरा नहीं दिया गया है, केवल स्टेप बाय स्टेप दे दिया गया है, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। ये पूरी जो साइकिल दी है, केल्विन चक्र की पूरी साइकिल दी है, ये क्लास 11 में पूरी दी गई है, ये पूरा चैप्टर ही अलग है इसका, तो क्लास 11 में इसको विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल हम इतने स्टेप में इसको पढ़ रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसका कि अप्रकाशी प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये हरिद्रव के स्ट्रोमा में होती है, और इसमें होता क्या है, तो इसमें CO2 का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट के। तो ये थे आपकी अप्रकाशी प्रक्रिया। तो आज ये टॉपिक खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।